गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में छोटी ई सीखा था लिखना और उसे क्या क्या होता है, आज हम सीखेंगे बड़ी ई। बड़ी ई स्वर अक्षर आज हम सीखेंगे। तो बड़ी से क्या क्या होता है? बड़ी से ईख, बड़ी से रजाई का जो लास्ट अक्षर है वो बड़ी ई है, ओके। और बड़ी से सुई, सुई में भी जो लास्ट अक्षर है वो बड़ी है। और बड़ी से ईद, बड़ी से ईशु। और अब हम देखेंगे बड़ी ई कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने बच्चों को बताया है स्लीपिंग लाइन, तो पहले कौन सी लाइन खींचेंगे? स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, देन लेफ्ट हाफ सर्कल, देन राइट हाफ सर्कल, देन स्लैटिंग लाइन और ऊपर की तरफ लेफ्ट हाफ सर्कल। ये हमारा बड़ी ई बनके तैयार हो गया। अब हम बच्चे को ऐसे ही लिखने को घर पर प्रैक्टिस देंगे ताकि वो अच्छे से लिखना सीख जाए। कैसे बनाएंगे? फिर से स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट हाफ सर्कल, राइट हाफ सर्कल, स्लैटिंग लाइन, देन लेफ्ट हाफ सर्कल ऊपर की तरफ, ओके। अब देखिए मैंने इधर एक एक्सरसाइज तैयार की है। क्या है? चित्र देखकर स्वर अक्षर से मिलाना है, ठीक है? तो ये क्या है बच्चों? छोटा से अनार, ये बड़ा से आम, ये छोटी से इमली, ये बड़ी से ईख। अब हमें इधर अक्षर से देख के मिलाना है। तो छोटा से अनार, अब हमें इधर देखना है कि छोटा आ कहाँ है, फिर हमें इसे मैच करना है, ओके। अब इधर ये क्या है? बड़ा आ। अब हम इधर देखेंगे बड़ा आ कहाँ है, फिर उसे बड़ा आ से मैच करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? छोटी ई। अब हम इधर देखेंगे छोटी ई कहाँ है, तो छोटी ई से मैच करेंगे। अब ये है बड़ी ई से ईख, अब हम बड़ी ई से मैच करेंगे। हम बच्चों को क्ले के माध्यम से इन्हें कलर करने के लिए भी दे सकते हैं। तब तक हम इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे बड़ी ई लिखने को और ये एक्सरसाइज करने के लिए, ओके। टिल देन बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।